नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं वी न्यूज। अब तक आपने देखा कि इंदिरा उस स्थान से महज 11 फीट दूर थी जहां पर इंदिरा के हत्यारे मौजूद थे। साल था 1984, वो 1984 जिसके जून महीने में अमृतसर में जो कुछ हुआ उसके बाद सिख समाज का एक बड़ा हिस्सा, तत्कालीन सरकार, खासकर इंदिरा गांधी से बेहद नाराज था। इंदिरा को उनके नजदीकियों ने कई बार बेअंत और सतवंत को हटाने की सलाह भी दी थी, लेकिन इंदिरा ने हर बार मना कर दिया। इंदिरा को इंसानियत पर इतना भरोसा था कि मेरे अंगरक्षक मेरी जान के दुश्मन नहीं बनेंगे। वो सर्दियों की एक गुनगुने सुबह थी, लेकिन बेअंत और सतवंत के सिर में गर्मी तेजी से बढ़ रही थी। नसें शायद फूल रही होंगी, मन में उमड़ धुमड़ चल रही होगी, क्योंकि वो कुछ सोच समझ कर ही आज ड्यूटी पर पहुंचे थे। एक काम था जिन्हें उन्हें अंजाम देना था, उनकी नज़र में गलत नहीं था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या उस दिन इंदिरा की हत्या रोकी जा सकती थी? क्या बेअंत और सतवंत का ड्यूटी चार्ट कुछ और इशारा कर रहा था? क्या उस दिन खुद इंदिरा से एक ऐसी गलती हुई जो इंदिरा के लिए जानलेवा साबित हुई? दरअसल मशहूर पत्रकार राजेंद्र पुरी ने स्टेटमेंट अखबार में लिखे गए एक लेख के मुताबिक उस दिन बहुत कुछ ऐसा था जो अजीब था। पूरी लिखते हैं, इंदिरा के टीवी इंटरव्यू के दौरान पहले बेअंत और सतवंत की गार्ड ड्यूटी नहीं लगी हुई थी। अपॉइंटमेंट डायरी में ड्यूटी में बदलाव करके बेअंत और सतवंत का नाम लिखा गया था। उसके अलावा ज्यादातर मौकों पर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने वाली इंदिरा उस दिन बिना बुलेट प्रूफ के ही घर से निकली। ये भी आज तक पता नहीं चल सका कि ऐसा क्यों हुआ। रहस्यों के चादर में लिपटी 31 अक्टूबर की सुबह, वक्त आगे बढ़ता है, इंदिरा भी एक अकबर रोड के गेट की तरफ बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हुए इंदिरा बेअंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए नमस्ते किया। उन्होंने क्या जवाब दिया ये शायद किसी को नहीं पता, लेकिन बेअंत सिंह ने अचानक अपनी बाईं तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर गोली चला दी। किसी को समझ नहीं आया, आसपास के लोग सन्न रह गए। कुछ ही देर में बेअंत सिंह ने दो और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। तीन गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया। उनके मुंह से एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो? कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही संतूरी बूथ पर खड़े सतवंत ने भी इंदिरा गांधी की तरफ गोली चला दी। जमीन पर नीचे गिरते हुए इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक एक कर गोलियां दाग दी। एक मिनट से कम वक्त में ही सतवंत ने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी। स्टिंगरन की गोलियों ने इंदिरा के शरीर को छलनी कर दिया। वक्त थम चुका था, जो जहां था ठिटक कर रह गया। सबके दिमाग में खून जमने जैसी हालत थी। तभी बेअंत और सतवंत ने कहा, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुम जो करना चाहो वो कर लो। सतवंत और बेअंत सिंह का किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर पास में खड़े एएसपी दिनेश चंद्र भट्ट और आईटीबी के जवानों ने तुरंत बेअंत और सतवंत पर काबू किया। आरके धवन के मन में एक ही बात आई, इंदिरा को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस को आवाज लगाई, लेकिन शायद उस दिन किस्मत भी हर पल इम्तिहान लेने पर तुली थी। धवन के मुताबिक एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने गया था। उधर एक अकबर रोड के लॉन में इंदिरा का इंतजार करती डॉक्यूमेंट्री क्रू को फायरिंग की आवाज अजीब सी लगी। फिर उन्हें लगा कि शायद एक बार फिर दिवाली के पटाखों की आवाज है। डायरेक्टर पीटर वहीं पर इंदिरा का इंतजार कर रहे थे। आर के धवन ने इंदिरा को उठाने की कोशिश की, तभी बुरी तरह घबराई हुई सोनिया गांधी भी वहां पहुंच गई। कई दूसरे सुरक्षाकर्मी भी गेट के पास पहुंच गए। धवन और सोनिया ने मिलकर इंदिरा को उठाया। सोनिया, आर के धवन और बाकी सुरक्षाकर्मी इंदिरा गांधी को लेकर एक एम्बेसडर कार तक पहुंच गए। तय हुआ कि कार से ही इंदिरा को एम्स लेकर ले जाया जाएगा। इंदिरा गांधी का सिर सोनिया ने अपनी गोद में रखा। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। सोनिया एकटक इंदिरा की तरफ देख रही थी। दूर खड़े आयरिश फिल्म मेकर पीटर को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सुरक्षाकर्मी तेजी के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे। लॉन में हड़कंप मच गया। पीटर ने एक इंटरव्यू में कहा, उस वक्त एक अकबर रोड की चिड़ियां और गिलहरियां भी अजीब बर्ताव कर रही थी। 7 मिनट के अंतर पर दो बार फायरिंग की जोरदार आवाज के बावजूद उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन परिंदों को जैसे पता था कि गोलियां उन्हें निशाना बनाकर नहीं चलाई जा रही। वैसे तो एम्स में इंदिरा का पूरा रिकॉर्ड था, उनके ब्लड ग्रुप का ब्यौरा, सब कुछ था। लेकिन अस्पताल पहुंचने की हड़बड़ी में किसी को याद ही नहीं आया एम्स फोन कर ये बता दिया जाए कि इंदिरा को गोली मारी गई है। घड़ी वक्त दिखा रही थी 9:32। एम्स पहुंचते ही इंदिरा गांधी को वीआईपी सेक्शन में लाया गया, लेकिन उस दिन
बंद था। धवन उन्हें इमरजेंसी की तरफ लेकर भागे। इंदिरा के शरीर से लगातार खून बह रहा था। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वेणुगोपाल ने मोर्चा संभाला। इंदिरा के शरीर का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा था। ईसीजी मशीन दिखा रही थी उनका दिल बहुत धीमे धड़क रहा था। धीरे धीरे इंदिरा की पुतलियां फैलती गई। साफ था कि दिमाग में खून पहुंचना लगभग बंद हो गया है। लगातार बहते खून को रोकने में 4 से 5 घंटे लग गए, लेकिन इंदिरा का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। डॉक्टर बड़ी बारीकी के साथ उनके शरीर से 2 गोलियां निकाल चुके थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस्म से जान भी रफ्ता रफ्ता निकलती जा रही थी। डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल इंदिरा का ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप भी था। इंदिरा को बचाने के संघर्ष में डॉक्टरों ने उन्हें 88 बोतल ओ निगेटिव खून चढ़ाया, लेकिन ये 88 यूनिट खून भी बहुत काम ना आया। एक तरफ से इंदिरा सिर्फ मशीन के भरोसे जिंदा थी। वक्त बीतता गया, भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कांग्रेस के दिग्गजों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। वो मान चुके थे कि अब इंदिरा का बचना मुमकिन नहीं है। दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर पर बेटे राजीव गांधी को खबर मिली। उनके काफिलों को बीच में रोककर ही खबर दी गई। राजीव लगातार रेडियो पर चिपके रहे। बीबीसी रेडियो पर खबर आ चुकी थी कि इंदिरा को उनके सुरक्षा गार्डों ने गोली मार दी है। ऑपरेशन थिएटर के बगल वाले कमरे में एक और जद्दोजहद चल रही थी। इंदिरा की मौत के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? सभी की राय थी कि राजीव गांधी को ही देश की सत्ता सौंपी जाए, लेकिन सोनिया गांधी अड़ी हुई थी। राजीव ये बात कतई मंजूर ना करें। ये गांधी परिवार का वो डर था जो तब से 7 साल तक सच साबित होने वाला था। आखिरकार दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया गया कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही। हमेशा बेबाक रहने वाली इंदिरा ने मौत से पहले एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खतरे में बिताई है। मौत तो आनी है, चाहे सोते वक्त आए चाहे खड़े खड़े। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या इंदिरा गांधी को बचाया जा सकता था? क्यों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की ड्यूटी न रहने के बावजूद ड्यूटी पर ये दोनों आए? एम्बुलेंस का ड्राइवर उसी समय चाय पीने क्यों गया? ये महज एक संयोग था या सोची समझी साजिश? इसका जवाब तो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। इसी तरह के किस्सों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।